महाराष्ट्र के संभाजी नगर में सोमवार को 19 साल की लड़की को परेशान करने और उसके साथ मारपीट का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि लड़कों का ग्रुप सड़क पर एक लड़की का पीछा कर रहा है और उसका फोन खींचने की कोशिश कर रहा है। लड़की बार बार चिल्ला रही है कि पीछा मत करो और मुझे छोड़ो, लेकिन लड़के उससे पूछ रहे हैं कि किस लड़के के साथ घूम रही थी। वीडियो को देखकर बेगमपुरा पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार तीनों लड़कों के खिलाफ महिला का अपमान करने, पीछा करने, डकैती का प्रयास करने, स्वेच्छा से चोट पहुंचाने और आपराधिक धमकी देने का आरोप लगाया है। संपर्क करने पर लड़की के परिवार के एक सदस्य ने कहा, हम इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। बेगमपुरा पुलिस के इंस्पेक्टर शिवाजी तिवारी ने कहा, लड़की अहमदनगर के एक कस्बे की रहने वाली है और वो प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए यहाँ रह रही थी। सोमवार को वो और उसके कुछ पुरुष मित्र बीबी का मकबरा गए थे। उसके दोस्त हिंदू समुदाय से थे। तभी संदिग्धों ने लड़की को निशाना बनाया और पुरुष मित्र के साथ उसके संबंधों पर सवाल उठाने लगे। जब उसके मित्रों को लगा कि उन पर हमला हो सकता है, तो वो उस लड़की को उसके हाल पर छोड़कर भाग गए। बाद में उसे एक परिवार द्वारा बचाया गया और अपने घर ले जाया गया, जिसके बाद पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और उसे पुलिस स्टेशन ले गई। उसके पिता को सूचित किया गया और बुलाया गया। थाने पहुंचने के बाद उन्होंने शिकायत दर्ज करने से इनकार कर दिया। घटना की क्लिप व्यापक रूप से ऑनलाइन शेयर होने के बाद ही पुलिस हरकत में आई, जिस पर कई लोगों ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। वैसे आपका इस वीडियो पे क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और इस तरह के तमाम लेटेस्ट अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए करारा न्यूज़ डे एंड नाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।